बात नहीं। ठीक है, तो सेशन 46 अभी अभी कंप्लीट किया है और उसके बाद सेशन 47 शुरू कर रहे हैं। ये 18 अप्रैल 1981 को हुआ था, 1881, ठीक है। और इसमें रा पूछता है कि सबसे पहले आप मुझे कार्ला के बारे में बताएं कि उसकी हालत कैसी है। तो रा कहता है तो जैसे रा मैंने यही पहली बोलता है कि बार, अभी 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 हाँ जैसे पहले थी वैसी है, अभी भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो ठीक है, पा यू प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर अ फ्यू फ्यू ऑफ देम, देन आई विल जॉइन। ठीक है, तो अगला सवाल डॉन करता है। ओके, द क्वेश्चन दैट आई वाज ट्राइंग टू आस्क एट द एंड ऑफ द लास्ट सेशन वाज ऑफ व्हाट वैल्यू टू इवोल्यूशन और एक्सपीरियंस इन द क्रिएटर नोइंग हिमसेल्फ और एक्सपीरियंस क्रिएटर नोइंग हिमसेल्फ आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म स्टार्टिंग इन फोर्थ डेंसिटी एंड व्हाई वाज दिस प्लान्ड बाय द लोगोस। तो वो कह रहा है इस सवाल में कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है, कि आगे जैसे बढ़ा जाता है अपनी मतलब सोल का, आत्मा का, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ना होता है तो रचयिता, क्योंकि अनुभव हम ही से ले रहा होता है, अपने आप को समझ रहा होता है हमसे, तो जो हमारे जो अनुभव हो रहे हैं वो उन अनुभवों को ले रहा होता है रचयिता। तो कहता है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप हमें ये बता सकते हो कि रचयिता जब अपने आप को समझ रहा होता है हमारे हमारे द्वारा, चाहे वो पॉजिटिव समझ रहा हो या नेगेटिव समझ रहा हो, तो चौथी घनत्वता के हिसाब से आप हमें समझाना है, क्योंकि चौथी घनत्वता में तो झुंड के झुंड समझ रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव में निकल जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में निकल जाएगा। कह रहे कि ऐसा क्यों है और इसका इसकी इसकी वैल्यू क्या है, मतलब इससे होता क्या है, और दूसरा ये लोगोस जो है हमारा, जो हमारी आकाशगंगा के बीच में है, उसने इसको प्लान क्यों किया था, आप हमें बता सकते हैं। तो रा जवाब देता है, कह रहे देर आर इनहेरेंट इनकरेक्ट करेक्टनेस इन योर क्वेरी, हाउ एवर वी मे आंसर द मेन पॉइंट ऑफ इट। तो राव से कहता है कि देखो तुम्हारे सवाल में ना कुछ गड़बड़ियां हैं, हालांकि हम जो इसका मेन जवाब है, इसका इसका जवाब का जो मेन पॉइंट है वो बताते हैं तुम्हें। कहता था इनकरेक्टनेस लाइज इन द कंसिडरेशन दैट सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स वर प्लान्ड बाय द लोगोस और सब लोगोस, दिस इज इनकरेक्ट एज द यूनिटी ऑफ द क्रिएटर एग्जिस्ट विद इन द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी मटीरियल क्रिएटेड बाय लव, मच लेस इन अ सेल्फ अवेयर बीइंग। तो वो कह रहा है कि देखो गलती जो तुमने गड़बड़ी जो इस सवाल के अंदर की है वो ये कि ये जो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी चाहे वो चौथी घनत्वता में जाए या चौथी घनत्व नेगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाए, कह रहा है वो उनके जो ग्रुप बनते हैं ना, उनकी जो डिसीजन होता है ना, तो वो सूरज तुम्हारा बनाता है और ना वो आकाशगंगा के बीच वाला जो वो है, कह रहा है वो तो उनकी फ्री विल होती है, उस वजह से चल रहा होता है। अभी ये देखो आगे उसका जवाब देगा वो कह रहा है कि ये तो उसकी वजह से होता है। कह रहा है इसमें जो गलती तुमने की कर रहे हो ना पूछने में, तुम ये कह रहे हो तो तुम ये गलती कर रहे हो क्योंकि तुम अभी भी नहीं सोच पा रहे हो कि ये जो रचयिता है ना, एक छोटे से छोटे पार्टिकल में, चाहे मिट्टी क्यों ना हो, कह रहा है उसके कण कण के अंदर है, ये उसके छोटे से छोटे पोर्शन के अंदर है, जिसके अंदर उसने प्रेम की कंपनता डाल रखी है अपनी, जिससे वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है, और उसको समझते समझते जब उसने अपने आप को हर पार्टिकल के अंदर ही डाल दिया है, तो फिर वो चाहे झुंड हो चाहे एक व्यक्ति हो, कह रहा है उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो तुम ऐसे झुंड को अलग और एक व्यक्ति को अलग लेके चलोगे तो ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो आगे वो कहता है, हाउएवर द डिस्टॉर्शन ऑफ फ्री विल कॉजेज द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स टू अपियर एज अ पॉसिबिलिटी एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ माइंड, द पर्पस और कंसिडरेशन विच कॉजेज एंटिटीज टू फॉर्म सच कॉम्प्लेक्स ऑफ दी सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स इज अ वेरी सिंपल एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक डिस्टॉर्शन टूवर्ड द क्रिएटर नोइंग ऑफ इट सेल्फ, फॉर वेन अ ग्रुप ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट बिकम एबल टू फॉर्म अ सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, ऑल एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंटिटी इज अवेलेबल टू द होल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, thus the creator knows more of its creation in each entity partaking of this communion of entities। कह रहे देखो हालांकि हम तुम्हें ये भी बताते हैं इसमें आगे कि ये जो भी चीजें हो रही होती है ना, ये जो आजादी की लॉ लगी भी है ना फ्री विल वाली, कि कुछ भी करने की आजादी, कह रहे उसकी वजह से होता है कि लोग अपनी सोच के हिसाब के लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं और उनके साथ आगे निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो आगे निकलने की जो प्रक्रिया होती है ये उनके दिमागों से होती है। अगर दिमाग से दिमाग मिल गए, कह रहे तब वो आगे चल सकते हैं, दिमाग से दिमाग और यहाँ पे दिल से दिल मिलने वाली बात हो रही है, कह रहे तभी वो आगे निकल के जा सकते हैं। कह रहे और इसका उद्देश्य वो ये है कि ये कोई भी व्यक्ति हो कोई एंटिटी हो, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, वो भी तो एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता में आते हैं, कह रहे वो भी अपने अपने झुंड बनाते हैं, और कह रहे ये सिंपल
ये तरीका है रचयिता का अपने आप को जानने के लिए कि भाई रचयिता अपने आप को कैसे जानेगा, उस झुंड के द्वारा भी अपने आप को कैसे जानेगा। कह रहे जब भी कोई ग्रुप, कोई झुंड, पहले तो एक ग्रुप बनता है, ठीक है, लोग चलो ठीक है जी आपस में एक दूसरे की सोच मिल गई तो ठीक है, बात चल रही है, ये चल रही है, धीरे 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 सबकी सोच एक डायरेक्शन में हो जाती है, सब एक जैसा सोचने लग जाते हैं। कह रहे उसकी वजह से जो अनुभव जनरेट होता है, जो अनुभव बनता है ना उसकी वजह से, उस पूरे के पूरे ग्रुप की वजह से, कह रहे उससे और बेटर अनुभव मिलता है और अच्छा अनुभव मिलता है रचयिता को अपने आप को और अपनी रचना को समझने के लिए, क्योंकि अब वो पूरा झुंड का झुंड एक डायरेक्शन में सोच रहा है तो रचयिता को और अच्छे से समझ में आता है, उसके उसको विभाजन नहीं दिखता फिर वहां पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा विभाजन होता ही नहीं है, वहां पे सारे एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उसके लिए आसान हो जाता है उस चीज को समझना, तो रचयिता के लिए आसानी हो जाती है उस चीज से। तो अगला सवाल डॉन करता है, वी चोज द वैल्यूज ऑफ और वर गिवन द वैल्यूज ऑफ बेटर देन 50% सर्विस टू अदर्स फॉर फोर डेंसिटी पॉजिटिव एंड बेटर देन 95% सर्विस टू सेल्फ फॉर फोर डेंसिटी नेगेटिव सोशल मेमोरी कॉम्प्लीट, डू दीज टू वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड टू द सेम रेट शैल आई से ऑफ वाइब्रेशन। तो इस सवाल में डॉन कहता है कि आपने हमें बताया था कि 51% 50%, हालांकि ये बोल रहा है लेकिन 51% है ये, तो कह रहे 51% होना चाहिए दूसरों की सेवा में, अगर किसी को चौथी घनत्वता पॉजिटिव वाली में जाना है, ठीक है, और 95% अपने अपने बारे में सोचना होना चाहिए और केवल 5% दूसरों के लिए करना चाहिए, ठीक है, अब चाहे वो उन्हें गुलाम बना के करो या कैसे भी करो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन 95% तुम्हें अपने अपने लिए सोचना है, चौथी घनत्वता अगर नेगेटिव में तुम्हें जाना है, उस वाले झुंड के अंदर अगर तुम्हें जाना है, तो आप हमें ये बता सकते हो क्या ये जो दोनों आपने 50% और 95% बोला, क्या ये जो कंपनता होती है, क्या ये उस कंपनता को दर्शाती है कि 51% कंपनता एक इंसान की उस तरफ हो गई या 95% कंपनता उसकी उस तरीके से हो गई है, क्या आप हमें उस तरीके से समझा सकते हो। तो रा कहता है आई परसीव यू हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग योर क्वेरी, वी शैल रिस्पॉन्ड इन अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई योर क्वेरी। तो रा कहता है हमें दिख रहा है कि तुम जो अपना सवाल है ना ढंग से बता नहीं पा रहे हो, तो हम कोशिश करते हैं उसको इस तरीके से बताने की कि तुम्हारा सवाल और उसकी जो उसका जो आंसर है वो दोनों एक ही साथ मिल जाए तुम्हें। तो वो कहता है द वाइब्रेटरी रेट्स आर नॉट टू बी अंडरस्टूड एज द सेम इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओरिएंटेशन, दे आर टू बी अंडरस्टूड एज हैविंग द पावर टू एक्सेप्ट एंड वर्क विद इंटेलिजेंट इन्फिनिटी टू अ सर्टेन डिग्री और इंटेंसिटी, ठीक है, they are to be understood as having the power to accept and work with intelligent infinity to a certain degree or intensity. Due to the fact that the primary color, shall we say, or energy blue is missing from the negatively oriented system of power, the green or blue vibratory energies are not seen in the vibratory schedules or patterns of negatively fourth and fifth rates of vibration. So, वो कहता है देखो ये जो कंपनता होती है ना ये कितनी तेजी से हो रही है कितनी धीरे हो रही है चाहे वो पॉजिटिव वाला हो या नेगेटिव वाला हो, कह रही है उसको अभी समझ में नहीं आएगी, कह रही ये तो आगे जाके समझ में आनी शुरू होती है जब दूसरों की चक्र दिखने शुरू हो जाते हैं आपको, अपने तो दिखते ही दिखते हैं दूसरों के भी दिखने शुरू हो जाते हैं, कह रही कि ये इससे तुम्हें अंदाजा लग सकता है कि तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक व्यक्ति जो पावर में है वो पावर को एक्सेप्ट कर रहा है और या काम कर रहा है दूसरों के लिए सेवा में है, कह रहे उसको उस अनंत रचयिता की बुद्धिमानी को समझते हुए कितनी क्षमता से और कितनी दृढ़ उससे दृढ़ शक्ति से मतलब अपनी अपनी इच्छा से कितनी उसकी तीव्र इच्छा है कि उसके हिसाब से कर रहा है वो, ठीक है, कह रहे क्योंकि जो प्राइमरी कलर होता है मतलब जो नीला जो जो हमारा कहते हैं ना थ्रोट चक्रा ब्लू वाला और हमारा ग्रीन चक्रा जो हार्ट वाला है, कह रहे ये दोनों मिसिंग होते हैं एक नेगेटिव वाले व्यक्ति के अंदर, कह रहे उसका ना गले वाला खुला होता है और ना उसका दिल वाला खुला होता है, कह रहे वो नीचे से बाईपास करते हुए निकलता है इसको और सीधा अनंत रचयिता की अनंत ऊर्जा और अनंत बुद्धिमानिता को हासिल करने में लगता है वो, उसके लिए ये दोनों चक्र किसी काम के नहीं है, उसके उसको लगता है इन चक्रों का कोई काम है नहीं, कह रहे इसीलिए उस चौथी घनत्वता और पांचवी घनत्वता की जो नेगेटिव वाले झुंड बनते हैं ना जो उस वाइब्रेशन में जाते हैं, कह रहे उनका जो रेट ऑफ वाइब्रेशन है उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि उनके पास ना हार्ट चक्रा होता है और ना ही गले वाला जो थ्रोट चक्रा होता है ब्लू वाला, ये दोनों ही नहीं होते उनके पास, इसके बनस्पत वो उल्टा बताता है, कहता है कि अब हम तुम्हें पॉजिटिव वाले का बताते हैं कि द पॉजिटिव अपॉन द अदर हैंड शैल बी से हैज द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रू कलर टाइम स्पेस वाइब्रेटरी पैटर्न
and thus contains a variant vibratory pattern or schedule. Each is capable of doing fourth density work. This is the criterion for harvest. वो कह रहा है कि जो पॉजिटिव वाला होता है ना, उसके लिए खास बात ये होती है, उसके लिए सारे चक्र खुले होते हैं, तो वो ऊपर भी नीचे भी, नीचे भी ऊपर भी, वो कहीं पर भी जा सकता है फिर उसके पास ही, क्योंकि नेगेटिव वाला पावर की तरफ ही भागता है, उसको पावर ही पसंद होती है, तो वो पावर के चक्कर में ना ये दिल वाला और ये वाला तो उसका खुलता ही नहीं है, उस वजह से वो वहां जाके फंस भी जाता है। खैर लेकिन ये जो होते हैं ना, जो पॉजिटिव वाले, ये ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है ऊपर भी चल रही होती है नीचे भी चल रही होती है, तो इनके लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा निकलना। कहता है कि इसीलिए ये जो वाइब्रेटरी पैटर्न होते हैं ना, जो इनके अंदर के, जो मतलब अंदर की जो कंपनता के जो पैटर्न बने होते हैं, कह रहे ये आसान कर देते हैं उनके लिए चौथी घनत्वता में जाने के लिए। कह रहे इसलिए, और यही हमारा तरीका होता है कि भाई कटाई के वक्त यानी हार्वेस्ट के टाइम पे हम इसी को देख रहे होते हैं कि किसका चक्र कहाँ तक कितना खुला है, किसका चक्र और कितने अभी इस बैलेंस कितना बना हुआ है, संतुलन कितना है। कह रहे उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति अगली घनत्वता में जाने लायक है या नहीं है, चाहे वो नेगेटिव वाला हो या पॉजिटिव वाला हो। तो इसके आगे अगला सवाल, एक सेकंड रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ जरा, एक सेकंड रुकना। सॉरी, इसका मतलब कि डॉन पूछता है कि आप कह रहे हो कि चौथी घनिष्ठता वाले, यही क्वेश्चन है ना, चौथी घनिष्ठता वालों के चक्रों में ब्लू कलर जो है वो नहीं होता। क्या कह रहे हो मैम? क्वेश्चन नंबर है 47.4। हाँ मैंने वो पढ़ा अभी, तो आप जवाब दे दो। हाँ तो मतलब वो यही कह रहे हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव वाले जो होते हैं इनका मतलब ब्लू वाला भी मिसिंग होता है चौथी घनत्वता पे अगर इनको जाना होता है तो रा कहता है लेट अस क्लैरिफाई फर्दर, एज वी हैव प्रीवियसली स्टेटेड ऑल बीइंग्स हैव द पोटेंशियल फॉर ऑल पॉसिबल वाइब्रेटरी रेट्स, दस द पोटेंशियल फॉर द ग्रीन एंड ब्लू एनर्जी सेंटर एक्टिवेशन इज ऑफ कोर्स प्रिसाइसली वेयर इट मस्ट बी इन द क्रिएशन ऑफ लव, हाउएवर the negatively polarized entity will have achieved harvest due to extremely efficient use of red and yellow and orange moving directly to the gateway indigo bringing through this intelligent energy channel thus in streamings of intelligent infinity. ab mam pata hai aapko ek badi important cheez batayi hai isne kehta hai ki ye jo negatively wale hote hain dekho kehta hai pehli baat to wo ye kehta hai ki dekho chakra to sabke liye available hai, हर व्यक्ति के लिए होते हैं, तो उसके अंदर सबके अंदर होते हैं, हर चक्र का अपना अलग अलग कंपनता होती है, लाल वाला अलग रेट पे कांपेगा, उसके ऊपर वाला अलग रेट पे कांपेगा, फिर इस तरीके से इनकी कंपनता अलग, अरे तो इस वजह से उनकी कंपनता अलग अलग लेवल पे कांप रही होती है। कह रहे कि लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि ये जो हरा वाला और नीला वाला है ना, ये नेगेटिव वालों में होता नहीं, उसको बाईपास कर देते हैं क्योंकि इसमें प्रेम होता है, कहता है, और ये प्रेम वाला जो पार्ट होता है ना, ये इनको समझ में नहीं आता है, कह रहे इस वजह से इसको बाईपास करके निकल जाते हैं, कह रहे बाईपास करके जाते हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपना नीचे का लाल, पीला और ऑरेंज, कह रहे इन इन तीनों का बेहद दबा के इस्तेमाल करते हैं और सीधा ऊपर निकल के जाते हैं, सीधा कुंडलिनी पे और कुंडलिनी से सीधा अनंत बुद्धिमानी पे, कह रहे ऐसे निकल के जाते हैं क्योंकि कुंडलिनी से इनको एनर्जी मिल जाती है, कह रहे कि वो एनर्जी इनको मिलने के बाद से आ गई बीच में, कुंडलिनी में तो सारे चक्र होते हैं, कुंडलिनी तो रूट से लेके सहस्रारा तक होती है। नहीं नहीं मैम, कुंडलिनी एक्टिवेट होती है आपकी यहाँ पे तीसरी आंख वाला जो एरिया है, ये क्या करते हैं ये ना बीच के जो जो दो चक्र है, ग्रीन वाला और जो आपका नीला वाला है, इसको बाईपास करते हैं और उधर निकल जाते हैं। और पता नहीं इसका बाईपास का तरीका क्या होता है, ब्लैक मैजिक में भी रिचुअल होते हैं कि अगर आपको ये नीचे के तीन चक्र अगर आपके स्ट्रांग है ना और आप इस पावर में हो तो ये भी अपनी कुंडलिनी अवेक करवा लेते हैं, पता है आपको ये, इनको भी तरीके आते हैं कुंडलिनी अवेक करवाने के अपने। बेसिकली आपको क्या लगता है जो नेगेटिव की हो रही है, बेसिकली वो जो गुस्सा निकालते हैं रात को सेक्स में, उससे कुछ करते होंगे
कोई रिचुअल विचुअल पता नहीं, क्योंकि मेन तो उसके अंदर आपके लोअर तीन चक्र ही यूज होते हैं ना सेक्स करते वक्त, अगर आपको हाँ हेलो मतलब होते तो है, लेकिन मैम उसको करने का तरीका होता है उस किसी किसी मतलब अगर ढंग से किया जाए तो वो ग्रीन चक्रा और थ्रोट चक्रा दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें, अगर किसी को पता हो इसको कैसे करते हैं तो। अब मैम पूछना मत प्लीज मैम। ठीक है, आगे आगे चलो। आगे आगे वो कहता है हाँ मतलब उसने बता दिया है कि ये यहाँ से निकल के ये मैम ये देखो नेगेटिव वाले को मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि उनको भी अपनी कुंडलिनी अवेक करानी आती है, तो ये मत सोचना कि ये केवल ये पावर आप ही के पास है। आज के लोग भाग रहे हैं ना इधर उधर कि मेरे को कुंडलिनी अवेक करानी है कुंडलिनी अवेक करानी है, ऐसे में कुंडलिनी अवेक कराने के बाद और अगर आप नीचे के चक्रों में फंस गए तो भाई साहब आपकी हार्वेस्ट नेगेटिव साइड में भी हो सकती है, इसलिए दिल का चक्र पे और थ्रोट के चक्र पे भी काम करते रहना चाहिए अगर अगर आपने गलती से कुंडलिनी अपनी अवेक करा भी ली है तो, तब भी दूसरों की सेवा के भाव से और उससे वो काम करते रहना चाहिए अगर आपको पॉजिटिव वाली साइड में हार्वेस्ट चाहिए अपनी। अगर आपने दिल में ठान ही लिया कि मुझे नेगेटिव वाली साइड में जाना है तो फिर तो आपको कुंडलिनी अवेक करा के आप वहां पर भी कर सकते हो, अनंत बुद्धिमानिता भी मिल जाएगी आपको, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो डॉन पूछता है कि जैसे आपने थर्ड डेंसिटी में परसेंटेज बताया 59-49%, ऐसे चौथी घनिष्ठता में भी, चौथी से पांचवी में जाने के लिए भी क्या कोई प्रतिशत है जो जिसका ध्यान रखना पड़ता है? तो रा कहता है मैम देर आर इन योर मोड्स ऑफ थिंकिंग रिस्पॉन्सेज वी कैन मेक विच वी शैल मेक, हाउएवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द ग्रेजुएशन फ्रॉम डेंसिटी टू डेंसिटी डू ऑकर, द पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी इज अ थिंग विच विल एट द सिक्स डेंसिटी लेवल सिंपली बिकम हिस्ट्री, देयरफॉर वी स्पीक इन एन इल्यूजरी टाइम कंटिन्यूम व्हेन वी डिस्कस स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव हार्वेस्ट इनटू फिफ्थ। तो रा ने मैम उसको एग्जैक्टली जवाब तो नहीं दिया, रा ने ये कहा देखो हमें तुम्हारी सोच भी समझ में आ रही है और हाँ उसको हमें जवाब भी देना चाहिए हमें पता है तेरे, लेकिन हालांकि हम तुम्हें बता दें यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हाँ ग्रेजुएशन होती है घनत्वता से घनत्वता में बिल्कुल होती है, चाहे वो तीसरी से चौथी में हो, चौथी से पांचवी में हो, पांचवी से छठी में हो, कह रहे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो तुम्हारी पोलैरिटी है ना छठे तक पहुंचते पहुंचते तो इतिहास बन चुकी होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि तो रात तो खुद बैठा है छठी घनत्वता में तो उसके लिए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई चीज है ही नहीं उसके लिए, कह रहे ये तो हमारे लिए इतिहास हो चुकी है चीजें अब, कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि वो हम माया जाल के तरीके से ही तुमको समझा सकते हैं कि ये मतलब किस तरीके से टाइम में इधर से उधर और उधर से इधर हो रही होती है, कह रहे इसके स्टैटिस्टिक्स हम तुम्हें पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मतलब हार्वेस्ट किस तरीके की होती है ना पांचवी चौथे से पांचवी में, कह रहे उसी तरीके से बताएंगे। तो आगे वो जवाब देता है कहता है अ लार्ज परसेंटेज ऑफ फोर डेंसिटी नेगेटिव एंटिटीज कंटिन्यू द नेगेटिव पाथ, फोर नेगेटिव एंटिटीज कंटिन्यू द नेगेटिव पाथ फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ डेंसिटी एक्सपीरियंस फॉर विदाउट विजडम द कंपैशन एंड डिजायर टू एड अदर सेल्फ इज नॉट एक्सट्रीमली वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है दस दो वन लूजेस अप्रोक्सीमेटली 2% मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ड्यूरिंग द फोर्थ डेंसिटी एक्सपीरियंस। अच्छा जी ये भी हो जाता है, आपकी वी फाइंड आवाज नहीं आ रही? अप्रोक्सीमेटली 8%। हेलो हाँ, अब अब आ रही पहले है मैम? नहीं आ रही थी आवाज, अच्छा नहीं आ रही थी, वो अब आ रही है। थोड़ा सा माइक माइक हिल गया था एक सेकंड। तो वो कहता है अ लार्ज परसेंटेज ऑफ फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव एंटिटीज कंटिन्यू द नेगेटिव पाथ फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ डेंसिटी एक्सपीरियंस फॉर विदाउट विजडम द कंपैशन एंड डिजायर टू एड अदर सेल्फ इज नॉट एक्सट्रीमली वेल इन्फॉर्म्ड, दस दो वन लूजेस अप्रोक्सीमेटली 2% मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ड्यूरिंग द फोर्थ डेंसिटी एक्सपीरियंस वी फाइंड अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ ग्रेजुएशन इंटू फिफ्थ डेंसिटी दोज ऑफ द नेगेटिव। तो वो कह रहा है कि देखो जो चौथी घनत्वता के होते हैं ना नेगेटिव वाले, वो नेगेटिव वाले की बता रहा है इस वक्त, कह रहा है नेगेटिव वाले जो चौथी घनत्वता के होते हैं ना वो चौथी से जो पांचवी में जाते हैं ना वो उनके पास ये एक तो ज्ञान नहीं होता, ठीक है ये जो रचयिता का ज्ञान है कह रहा है एक तो ये नहीं होता इनके पास ढंग से, कह रहे दूसरा और इनके अंदर सहानुभूति भी नहीं होती है और दूसरों की सेवा का भी कोई भाव नहीं होता क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि ऐसी ना ऐसी भी ऐसे करके भी जाया जा सकता है, इनको पता नहीं होती है चीजें,
ये तो एक रास्ते पे निकल गए और निकलते ही चले जाते हैं। कह रहे कि जब भी कोई चौथी घनत्वता से पॉजिटिव वाली साइड में जाने की कोशिश करेगा नेगेटिव वाली साइड में से, कह रहे तो 2% उसका पहली कम हो जाएगा। मतलब अगर मान लो वो नेगेटिव साइड में अगर वो 95 करता जा रहा है और उसको अचानक एकदम से लगा कि नहीं यार मुझे वो पॉजिटिव वाली साइड ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं यहाँ से जंप मार के वहां जाना चाहता हूँ, तो 2% तो पहले ही लूज कर देगा। ये उसके साथ दिक्कत हो जाती है। कह रहे कि हमें, हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि 8% ही ऐसे होते हैं जो पांचवी घनत्वता में इनके नेगेटिव वाली साइड में जा पाते, क्योंकि 2% वहां पर भी कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हम वहां से निकल के पॉजिटिव वाली साइड में आ जाए। उनको भी अकल आ जाती है ना वहां जाके, जब वो देखते हैं कि यार ये पॉजिटिव वाली साइड वाले तो क्या प्रेम प्यार से इन्होंने तो आराम आराम से अपनी चीजें करे जा रहे हैं, पावर इनके पास हमसे ज्यादा, टेक्नोलॉजी इनके पास हमसे ज्यादा, सारी चीजें हमारी हमसे ज्यादा इन लोगों के पास, हालांकि पावर दोनों के पास बराबर है। कह रहे लेकिन हर मामले में हमसे अच्छी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ हम गुलामों की तरह जिंदगी भी बिताए चले जा रहे हैं, तो 2% फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वहां से 8% ही निकल के जा पाते हैं उसमें भी पांचवी घनत्वता नेगेटिव में। 2% वहां से फिर भी अपना ये रिस्क लेके कि हाँ यार 2% का रिस्क ले लेते हैं, इधर आने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं हमारी पोलैरिटी तो नीचे जाएगी जान दे, क्योंकि मैं वहां पे अपनी पोलैरिटीज दिखने लग जाती हैं सबको, और जिसको अपनी पोलैरिटी पता चल जाए ना तो वो ये रिस्क लेने को, ऐसे केवल 2% होते हैं उनमें जो ये रिस्क लेके उधर से इधर आने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि 50% इज रिक्वायर्ड फॉर तीसरी से चौथी में जाने के लिए, 51% चाहिए पॉजिटिव साइड में जाने के लिए, और 95% चाहिए नेगेटिव साइड में जाने के लिए। तो डज दिस हैव टू मोर क्लोजली अप्रोच 100% इन बोथ केसेस? तो अगर जो प्रतिशत है दो कुल मिला के अगर 100% हो चौथी से पांचवी में जाने के लिए, क्या ये जरूरी है? डज एन एंटिटी हैव टू बी 99% पोलराइज्ड फॉर नेगेटिव एंड मे बी 80% पोलराइज्ड फॉर पॉजिटिव ग्रेजुएटिंग फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ? एक चौथी से पांचवी में जाने के लिए नेगेटिव वाले को क्या 99% और पॉजिटिव वाले को तकरीबन 80% ट्रेनिंग एड्स अवेलेबल इन फोर्थ डेंसिटी विच ऑटोमेटिकली एड द एंटिटी इन पोलराइजेशन व्हाइल कटिंग डाउन एक्सट्रीमली अपॉन द क्विक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट दस द डेंसिटी अबव योर्स मस्ट टेक अप मोर स्पेस टाइम। कह रहे कि देखो ये जो तुम बोल रहे हो ना ये चीजें कुछ ना गलत तरीके से तुम प्रेजेंट कर रहे हो, ये कुछ तुम्हें, हमें लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ नहीं रही है। कह रहे देखो जो दिखने वाली चीजें होती हैं और जो ट्रेनिंग जिस तरीके की चौथी घनत्वता में मिलती है ना, और जो मदद तुम्हें चौथी घनत्वता में मिलती है ना, कह रहे वो इतनी जबरदस्त तरीके की होती है कि जो तुम्हारी पोलराइजेशन है पूरी की पूरी उसी डायरेक्शन में रहती है, पॉजिटिव वाली साइड में ही रहती है, क्योंकि जो माध्यम होते हैं ना तुम्हारे पुराने वाले वो काफी कटते चले जाते हैं, जो तीसरी घनत्वता के जो कुछ कुछ माध्यम जो तुम्हारे रह जाते हैं ना, कह रहे वहां पहुंच के वो कटने शुरू हो जाते हैं। कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि जब वो उनको काटने की वजह से ही, क्योंकि वो कटने शुरू होते हैं उनका खत्म होना शुरू होता है चौथी में भी, क्योंकि मैम कुछ माध्यम यहाँ के भी रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारे माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगे, जाने अनजाने में चल रही होती सारी चीजें, जानबूझ के कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, किसी को पता ही नहीं होता कि मेरे माध्यम कैसे, क्योंकि हायर सेल्फ से मेडिटेशन में जाके कॉन्टैक्ट करता ही नहीं है कोई, अब जिसको पता नहीं है वो अपने माध्यम का इस्तेमाल कैसे करेगा। तो वो कह रहा है कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि चौथी घनत्वता में जाके वो जो टाइम और जो स्पेस वो जो बढ़ जाता है ना, जो तुम कह रहे थे कि 90,000 साल की साइकिल क्यों जाती है, कह रहे वो इसी वजह से ही होती है क्योंकि तुम्हारे पुराने माध्यम भी वहां जाके भी खत्म हो रहे होते हैं, वो धीरे धीरे वो सारे लेसन भी होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं तुम्हारे, धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ोगे, एकदम से थोड़े जंप मार के पहुंच जाओगे। हालांकि ये सवाल उसने चौथी घनत्वता का दिया, अब आगे का वो बताएगा। कहता है परसेंटेज ऑफ सर्विस टू अदर्स ऑफ पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंटिटीज विल हार्मोनियसली अप्रोच 98% इन इंटेंशन। ओ अच्छा, द क्वालिफिकेशन फॉर फिफ्थ डेंसिटी हाउएवर रिक्वायर इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, अच्छा दिस देन बिकम्स द प्राइमरी क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएशन फ्रॉम, अच्छा चौथी से पांचवी की ही बात कर रहा है, अच्छा अच्छा कह रहा है कि क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएशन फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ डेंसिटी। To achieve this graduation, the entity must be able to understand the actions, the movements, and the dance.
देयर इज नो परसेंटेज डिस्क्राइबेबल विच मेजर दिस अंडरस्टैंडिंग. इट इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ परसेप्शन. इट मे बी मेजर्ड बाय लाइट द एबिलिटी टू लव एक्सेप्ट एंड यूज अ सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट दस क्रिएट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ फॉर बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फोर्थ टू फिफ्थ हार्वेस्टिंग. तो वो कह रहा है कि देखो पहले तो हम तुम्हें पॉजिटिवली वालों के बारे में बताते हैं कि जो पॉजिटिवली वाले होते हैं ना चौथी घनत्वता में, अभी बात देखो मैम चौथी घनत्वता की हो रही है, कह रहे उनकी जो सोच होती है ना वो 98% तक हो जाती है हारमोनियस, मतलब दूसरों की सेवा प्रेम प्यार की इस तरीके की हो जाती है उसमें पहुंच के उस घनत्वता में. कह रहे उनकी इंटेंशन ही ऐसी हो जाती है कि दूसरों की सेवा दूसरों की मदद और इन सब चीजों की हो जाती है उनकी 98% ऑटोमेटिकली वहां पहुंच के. कह रहे लेकिन यहाँ पे ये अंडरस्टैंड, हाँ कह रहे लेकिन चौथी से पांचवी घनत्वता में जाने के लिए कह रहे समझदारी की भी जरूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये रचयिता का प्रेम काम कैसे करता है. ठीक है हम लोगों को ये तो है कि भाई दूसरों के लिए सेवा भाव और ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये प्रेम काम कैसे करता है इसकी समझदारी भी आप लोगों को होनी चाहिए. कह रहे पांचवी, तभी आप पांचवी घनत्वता में जा पाओगे चौथी से. हालांकि मैम वहां पे लेसन इतने जबरदस्त होते हैं कि सीख जाता है इंसान, इच्छा ही इतनी बढ़ जाती है सीखने की. और अगर आपकी यहीं से इच्छा बढ़ गई ना तो वहां जाके इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है. तो कहता है कि दिस देन बिकम्स द प्राइमरी क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएशन फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ डेंसिटी. कह रहे ये वो पहला क्राइटेरिया है, कह रहे ये वो रीजन बनता है जिसकी वजह से चौथी से पांचवी में जाया जाता है. कह रहे टू अचीव दिस ग्रेजुएशन द एंटिटी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्शंस एंड मूवमेंट एंड द डांस. कह रहे इससे ये यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए चौथी से पांचवी में ग्रेजुएशन करने के लिए एक व्यक्ति को अपने ही नहीं सबके, क्योंकि पूरे झुंड के समझने होते हैं उसको. कह रहे अपने अपने एक्शन अपने कर्म को, दूसरा किस तरीके से काम कर रहा है उसको, कह रहे और ये जो जिंदगी का जो नाच होता है ना, कह रहे इसको समझना जरूरी होता है. कह रहे वो समझ में आ जाता है. कह रहे वहां पे ऐसी कोई प्रतिशत में डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि भाई मतलब अब अंडरस्टैंडिंग को समझदारी को कोई प्रतिशत में तो डिस्क्राइब कर नहीं सकता कि भाई किसकी समझदारी कितनी है, किसकी किसको कितना समझ आया किसको नहीं समझ में आया. यहाँ पर भी लॉ ऑफ वन किसी को समझ में आएगी किसी को ढंग से नहीं समझ में आएगी. तो इसी तरीके से होता है, धीरे 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 पढ़ता जाएगा समझता जाएगा आगे निकलता जाएगा. फिर वहां पर भी ऐसे ही होता है. कह रहे वहां पे ये देखा जाता है कि ये चीजों को देख कैसे रहा है, ऑब्जर्व कैसे कर रहा है, सीख कैसे रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है. कह रहे उसको देखा जाता है वहां पे. कह रहे इसको रोशनी से कैलकुलेट किया जाता है, रोशनी से पता चल जाता है कि हाँ उसके अंदर की जो रोशनी होती है ना उससे पता चल जाता है इसकी रोशनी कैसे कांप रही है, किस तरीके से कांप रही है. कह रहे दूसरों ये जो वो होती है ना ये आदत की जो बन जाती है वहां जाके कि दूसरों को प्रेम, खुद को भी प्रेम दूसरों को भी प्रेम, दूसरों को समझना उनको एक्सेप्ट करना उनको मान के चलना अपना. कह रहे इसकी वजह से जो लाइट होती है ना उसके अंदर वो कितनी तीव्रता से चमक रही है ना, कह रहे वो डिसाइड करती है कि भाई वो पॉजिटिव में जाएगा किस तरीके से अगली पांचवी घनत्वता में या नेगेटिव में जाएगा चौथी से पांचवी घनत्वता में. दोनों जगह पे मैम अंडरस्टैंडिंग चल रही होती है. जो नेगेटिव वाली साइड होगी ना वहां पे टेक्नोलॉजी साइंस इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ से चल रही है ना ये वाली साइंस वगैरह ये सारी आगे चलती जाती है वहां पर चौथी घनत्वता में नेगेटिव वाली साइड में. लेकिन इस साइड की जो होती है ना वहां पे आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा होता है जबरदस्त लेवल का, स्पिरिचुअल ज्ञान मिल रहा होता है. तो इसीलिए ये लोग लाइट का इस्तेमाल और प्रेम का इस्तेमाल करना अच्छा सीख जाते हैं. उनको लाइट और प्रेम से मतलब नहीं होता, उनको तो ये होता है जो काम यहाँ से हो सकता है वो हम टेक्नोलॉजी से भी तो कर सकते हैं. जीरो पॉइंट एनर्जी तो पुल करनी है स्पेस टाइम से, तो वो हम टेक्नोलॉजी से भी कर लेंगे. तो वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. कहते हैं यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि भाई टेलीपैथी जब नेचुरल है तो हम टेलीपैथिक कैपेबिलिटी अपनी डेवलप कर लेते हैं, मतलब जो पॉजिटिव साइड वाले हैं मेडिटेशन कर करके. वो लोग कहते हैं यार जरूरत क्या मेडिटेशन करने की, चिप लगाओ सबके दिमागों में, सबके दिमाग की अब इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे AI डेटा सिस्टम से कनेक्ट करूंगा अब मेरे पास सारी सबकी इन्फॉर्मेशन है, हो गई टेलीपैथी. वो इस तरीके से करते हैं, ये उल्टे तरीके से करते हैं, ये आध्यात्मिक रूप से करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. और इसी तरीके से दोनों की ग्रेड आगे बननी शुरू होती है. वहां से वो भी निकल के आते हैं और वहां से ये भी निकल के आते हैं. अब जैसे उसने पिछला बताया कि उसमें भी परेशान हो जाते हैं, कुछ हो सकता है गुस्से में आकर चिप ही निकाल देते हैं अपने दिमाग से कि हटाए इसको मेरे को नहीं चाहिए, परेशान होके क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है ना, अंदर से परेशान हो रहा है बहुत बुरी तरीके से. तो उसको निकाल के वो कहेगा कोई नहीं मेरी 2% पोलैरिटी जाएगी, तेल लेने गई पोलैरिटी में इधर से इधर निकलूंगा, इनको देखो कितने खुश अच्छे खासे खेल कूद रहे हैं कहीं पेड़ों पर और ये वो जानवरों से बात कर रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं, एक हम हैं यहाँ टेक्नोलॉजी में फंसे पड़े हैं और यहाँ गुलाम बन गए हम लोग. तो वहां पे ये प्रॉब्लम हो जाती है.
रत्ना का कोई सवाल है? हाँ रत्ना बोलो। यस पा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि फोर डेंसिटी में जैसे जो पॉजिटिव साइड पे वो तो जैसे प्रेयर कर रहे होते हैं, वो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो ये सर्विस टू जो सेल्फ वाले हैं, ये उस फोर डेंसिटी में भी क्या वो जो पॉजिटिव लोगों को है उनको कंट्रोल करते हैं? मतलब वो अपने सर्विस टू सेल्फ को कैसे करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं उधर, जैसे यहाँ पर देखो 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 दो तरीके हैं देखो इस काम को करने के। जो चौथी गणना होता है सर्विस टू सेल्फ वाले होंगे, जो नेगेटिव वाले, उनका मेन मोटिव ये रहता है हमें और ग्रह कब जाने हैं। तो जैसे वो इस ग्रह पे लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के एलील्स वगैरह क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से वो और ग्रह पे भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्विस टू अदर पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो उन ग्रहों की मदद कर रहे होते हैं अगर वो मदद मांगे। इन दोनों में बस एक ही चीज की डिफरेंस है दोनों के रस्तों में। जो पॉजिटिव वाले होते हैं ना, उनको ज्ञान मिल जाता है तो वो दूसरे की आजादी का उल्लंघन नहीं करते। जब तक उनसे मदद ना मांगी जाए वो तब तक मदद नहीं करते हैं। जबकि सर्विस टू सेल्फ वाले, क्योंकि उनके अंदर जीतने की इच्छा इतनी होती है कि जल्दी से कब्जा लें इस प्लैनेट को, ये प्लैनेट अपने हाथ लग गया तो एक और प्लैनेट अपने हाथ आ जाएगा, यहाँ की पूरी पॉपुलेशन अपने हाथ में आ जाएगी, इन्हें गुलाम बना के इनसे अपना काम करवाएंगे खूब, और इन्हीं को ही इस्तेमाल करके और ग्रहों को जीतेंगे। तो उनको भी अपनी रिक्रूटमेंट करनी होती है, इनको भी करनी होती है, लेकिन रिक्रूटमेंट के दोनों के तरीके अलग है। वो आजादी का उल्लंघन करेगा या आजादी का उल्लंघन नहीं करेगा, ये फर्क है दोनों का। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से रचयिता के ज्ञान को लेकर चल रहा है, उसके अपने लॉज है, वो रचयिता के ज्ञान को बिल्कुल ही उल्टा करके चलता है, उसको डिस्ट्रक्शन पसंद है, इन्हें कंस्ट्रक्शन पसंद है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। क्या इसका जवाब दे दिया मैंने? ठीक है ये जवाब? हाँ यस यस समझ में आ गया। मतलब वो फोर्थ डेंसिटी वाले जो पॉजिटिव वाले उनको कुछ नहीं करते ना, केवल वो जो थर्ड डेंसिटी है, जो दूसरी जो प्लैनेट है, उसको वो अपने उसमें लेने की कोशिश करते हैं, है ना? देखो हाँ बिल्कुल, ये भी होता है और दोनों के युद्ध भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कि क्या होता है कभी कभी, जैसे रा ने एक सेशन के अंदर बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जाने अनजाने युद्ध में घुस जाते हैं, और जब हम युद्ध में घुस जाते हैं ना तो फिर हम रीग्रुप करते हैं आपस में। लेकिन वहां पे उसने एक चीज इंपॉर्टेंट कही थी, वहां पे ये लोग फिजिकल वॉर में नहीं घुसते हैं, इन्हें पता है कि अगर हम लोग फिजिकल वॉर में घुसे तो एक दूसरे को तबाह कर देंगे बुरी तरीके से, ये प्लैनेट के प्लैनेट उड़ा देते हैं फिर एक दूसरे के। तो दोनों ही अपना नुकसान नहीं कराना चाहते, फिर दोनों पीछे हट जाते हैं, इसलिए वहां पे टेलीपैथिक वॉर होती है। वो अपनी टेलीपैथी से कनेक्टेड है, टेलीपैथी का इस्तेमाल करना उनको भी आ जाता है, वो गैजेट्री का इस्तेमाल करते हैं। इधर इनको भी पता होता है क्योंकि आध्यात्मिक रूप से अपनी टेलीपैथी वो अपग्रेड कर चुके होते हैं। तो दोनों की जो लड़ाई होती है ना वो टेलीपैथी के थ्रू दिमाग में होती है, वो इसका दिमाग मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ये उसका दिमाग मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। मतलब इधर वाले बचने की कोशिश करते हैं, बचने की क्या, उसको घुमा के इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं, इधर वाले उसको घुमा के अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। बस इस तरीके की वॉर होती है, मैनिपुलेशन की वॉर होती है, वहां पे फिजिकल वॉर में नहीं घुसता कोई। फिजिकल वॉर में तो तब हो जाता है जब ये तीसरी घनत्वता में बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और गलती से दोनों युद्ध में घुस जाएं तो फिर दोनों युद्ध में घुस जाते हैं, फिर तो भारी भारी इनके युद्ध चल रहे होते हैं। अगर इनका युद्ध चलते चलते इस धरती के ऊपर आ जाए, मजा आ ले यहाँ की जनता देख पाए उस युद्ध को, इनकी आंखें चुंधिया आ जाएंगी ऐसे युद्ध को देख के, ये हुआ क्या, एक ही बार में इन्होंने तो गायब की गायब ही कर दी पूरी कंट्री, ऐसे ऐसे युद्ध होते हैं इनके, क्योंकि वेपन इस लेवल के होते हैं यार। इसी स्पेस टाइम से अगर मान लो अपने सारी एनर्जी खींच ली और फिर वो फेंक के मारी किसी के ऊपर, आप समझ रहे हो क्या हाल करेगी वो किसी का। पार्टिकल बीम वेपन्स भी तो ऐसी काम करते हैं, पार्टिकल बीम वेपन्स इसी का ही तो एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स। लेकिन जीरो पॉइंट एनर्जी लेवल के जो वेपन्स होते हैं वो तो भाई साहब बहुत डेडली वेपन्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा। कन्फेडरेशन कैसे लड़ती है, कन्फेडरेशन का पहले समझो, ये अटैक करते हैं इधर से, ये जो सर्विस टू सेल्फ वाले ओरायन ग्रुप है ये अटैकिंग मोड में रहता है। कन्फेडरेशन क्या करती है, उनके जो क्राफ्ट होते हैं क्योंकि ये ड्रोन्स यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर, ये क्या करती है, उनके पास से निकलेगी, उसके थॉट के अंदर, उसके एक एक पार्टिकल के थॉट के अंदर बोल देती है तो घुल जा, और जैसे ही वो घुलेगा ना, उससे रिक्वेस्ट प्लेस करती है कि घुलेगा, वो पूरा का पूरा क्राफ्ट ही बिखर जाता है हवाओं के अंदर। तो इससे पहले वो अटैक करे, उससे पहले उसको बिखेर देते हैं हवा में, उसको मिट्टी में ही कन्वर्ट कर देते हैं हवा के अंदर। ये ऐसे लड़ते हैं दोनों के दोनों। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस पा, यस थैंक यू। आगे बढ़ू? हाँ मैम। किसी का कुछ ऑन है कैमरा? BP 6781 कौन है ये?
जाबो का सॉरी बस मैम, कोई सवाल है? हाँ जाबो, हाँ मैं हर बार कोई ना कोई सवाल पूछती हूँ क्योंकि मुझे अपना आगे बढ़ना जो भी है। है शॉर्ट में फटाफट खत्म तो करो क्योंकि सेशन हाँ, खत्म। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ पा, कि ओरियन के अलावा भी कोई और है या सिर्फ ओरियन ही है? ये एक मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है पा, जो आपने बोला कि वो जो गुस्से वाला होता है, कंट्रोल करने वाला होता है, वो गुस्सा ही करता ही रहेगा करता ही रहेगा, वो समझेगा ही नहीं दूसरे के बारे में, तो वो जो पॉजिटिव वाला है वो गुस्से का कैसे यूज करेगा? आपने बोला वो अपनी एनर्जी का यूज करेगा, थोड़ा इस बारे में बताइए प्लीज, अगर आप मेरा क्वेश्चन समझ गए हो तो। मैम क्वेश्चन तो समझ गया हूँ, देखो दोनों का जवाब देता हूँ। ओरायन मैम अपने हाँ आप में एक प्लीज। समूह है, उसके अंदर एक एक ग्रह नहीं, बहुत सारे ग्रह मिलके काम करते हैं। साउदर्न क्रॉस करके एक है, उधर से वो भी काम करते हैं, इसके अंदर बीटलगीज है वो भी काम करता है इनके साथ मिलके, और भी बहुत सारी है मैम, और भी बहुत सारे ग्रह अच्छा, हैं, ये ये इसी प्लीडियंस तरीके के और ग्रहों को। सीरस, ये भी सब उसी में पा? नहीं मैम देखो देखो आप हर अब सीरिया का तो सीरियंस जो है, अब सीरिया अब सीरियन अपने आप में, सीरियस अपने आप में गैलेक्सी है, मतलब कि आकाश गंगा है। अब मान लो हमारी आकाश गंगा में हमारी धरती है अर्थ मालकुट, इसके भी तो कुछ लोग हैं जो मिलके वहां पे काम कर रहे हैं उनके साथ, यहीं के कुछ लोग हैं जो कन्फेडरेशन के साथ मिलके काम कर रहे बट हैं। ये सब लव लाइट के लिए काम कर रहे हैं ना पा, कौन सब? ये प्लीडियंस हैं, वो सीरस है, फिर वो और मैम इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता आर्कटूरियंस। हूँ, इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ मैं, इनके चक्करों में पड़ गए ना तो आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे नेक्स्ट डेंसिटी में, बता रहा हूँ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको कैसे पता कि सीरियन है प्लीडियन है, वो मेरी हेल्प करने आ रहा है नहीं करने आ रहा है? कहानियां बनी है मैम कहानियां, अभी आगे चल के देखना, उनके भी नाम लेगा, अभी रहा बताएगा सबके बारे में। इसलिए मैं कहता हूँ मैम कि इस टाइम पे बहुत सारे चैनलर आएंगे, अपनी अपनी कहानियां गाएंगे, ना ही पढ़ो उनके अंदर तो अच्छा है। इस किताब को सकते हो कि सारे कहानीकार इसी किताब को लेके निकले थे, और हम टिक कर गए थे किताब के ऊपर, हमने कहा था इनकी कहानियां सुननी नहीं हमें, क्योंकि हमें पता चलो था कि इसके अभी अपनी आगे बढ़ते कहानियां हैं। की इन अपनी चीजें डालेंगे। चलो हाँ ओके लेट्स मूव अहेड। और डॉन पूछता मुझे है, गुस्से हाँ वाला भी बता दो पा। मैम देखो गुस्से वाला तो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है आप सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करो, या वो जिस पर गुस्सा निकाल रहा है उसे चीख चिल्लाने दो, जो भी कर रहा है कर लेने दो उसको, उसके बाद जब कभी टाइम होगा जब उसका गुस्सा नॉर्मल होगा तब आराम से बैठ के बात करना, उस टाइम पे मत करो कुछ भी, एस्केलेशन में जाएंगी चीजें, कभी कभी मेरे से भी हो जाती है, लेकिन मैं भी आपको कोशिश करता हूँ इसको कंट्रोल करने की। थैंक यू पा, थैंक यू मैम। तो डॉन पूछता है कि क्रिस्टलाइज्ड एंटिटी क्या होती है, उसके बारे में जरा बताएंगे आप? तो मैम रा बोलता है, वी हैव यूज दिस पर्टिकुलर टर्म बिकॉज इट हैज फेयरली प्रिसाइज मीनिंग इन योर लैंग्वेज। व्हेन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज फॉर्मड ऑफ योर फिजिकल मटेरियल, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड इन अ रेगुलराइज फैशन विद द एलिमेंट्स इन ईच अदर मॉलिक्यूल, दस द स्ट्रक्चर इज रेगुलर एंड व्हेन फुली एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइज हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज, इट विल नॉट स्प्लिंटर और ब्रेक, इट इज वेरी स्ट्रांग विदाउट एफर्ट, वेरी स्ट्रांग विदाउट एफर्ट, एंड इट इज रेडियंट ट्रेड्यूसिंग लाइट इन टू अ ब्यूटिफुल रिफ्रैक्शन गिविंग प्लेजर टू द आई ऑफ मैनी। तो वो कह रहा है कि देखो क्रिस्टलाइज का जो एंटिटी का जो तुम बोल रहे हो ना, इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारे यहाँ का डायमंड। कह रहे कुछ लोग होते हैं तुम्हारे यहाँ के भी जो इतने क्रिस्टलाइज होते हैं, उनके पास आके तुम्हें अच्छा लगेगा, उनकी बातें भी तुम्हें सुन के अच्छी लगेगी, कह रहे तुम्हें उनके अंदर बैलेंस, उनके अंदर परफेक्शन सा लगने लगेगा देखने के लिए, जैसे कि एक डायमंड के अंदर होता है वो, एक उसका एक एक मॉलिक्यूल बड़े रेगुलराइज एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है वो, कह रहे कि और वो स्ट्रांग भी बहुत होता है, कह रहे तुम्हें लगेगा, कह रहे इसीलिए वो बड़ा प्लीजिंग लगेगा तुम्हारी आंखों को देखने के लिए, तुम्हारे कानों को सुनने मतलब देखने के लिए, डायमंड वगैरह को देखोगे या आपको रूबी देखोगे ये सारी चीजें देखोगे, तुम्हारी आंखों को देखने में बड़ा वो लगेगा, अच्छा लगेगा उसको देख के, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर है, बड़ा प्रॉपर फाइन स्ट्रक्चर है उसका। यार इसी तरीके से एक रेगुलराइज एक क्रिस्टलाइज एंटिटी होती है, वो भी बड़ी परफेक्ट होती है, मेडिटेशन करती है ये सारी चीजें करती है, कर करा के अपने अपना संतुलन बनाना शुरू करती है ना, तो उसके पास तुम बैठोगे, उसके ऑरा में तुम बैठोगे, उसकी बातें तुम सुनोगे, तो उससे बात करने का भी मन करेगा, उससे उसके ऑरा में आके तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा, कहते ऐसे होते हैं क्रिस्टलाइज एंटिटी, क्योंकि उनकी चीजें रेगुलराइज हो चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैम. फिर वो कहता है कि हमारे कुछ ग्रंथों में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ है. मेरे पास लिस्ट है इन लोगों की, इनके शरीर अलग अलग होते हैं. आई हैव अ लिस्ट हियर ऑफ द फिजिकल बॉडी. हमारा जो शरीर है उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, मतलब फिजिकल, एथेरिक, इमोशनल, एस्ट्रल, मेंटल. एक ही एक, मतलब जैसे एक इंसान की 7 बॉडीज अलग अलग होती हैं, ऐसा लिखा है. तो क्या इसके इस्तेमाल और इसकी वजह के बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये क्यों है और इसका हमें क्या फायदा है, या हमारे और भी कोई बॉडीज हैं माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में? मैम इसका, मैम एक बात बोलूं आपको, मेरे को लगता है ये सेशन यही रोक देना चाहिए, क्योंकि एक ये इसका आंसर बहुत लंबा है. पहली बात तो 1, 2, 3, 4 हैं, खैर है तो 4 ही पेज लंबे लंबे आंसर है, लेकिन मैं दे देता हूँ, अच्छे लगेंगे आपको ये जवाब. तो सेशन, एक मिनट, कहाँ गया है जवाब? हाँ, तो रा कहता है टू आंसर योर क्वेरी फुली वुड बी द वर्क ऑफ मेनी सेशंस सच एज दिस वन फॉर द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस बॉडीज एंड ईच बॉडीज इफेक्ट इन वेरियस सिचुएशन इज एन एनॉर्मस स्टडी. हाउएवर वी शैल बिगिन बाय रेफरिंग योर माइंड back to the spectrum of true colors and the usage of this understanding in grasping the various densities of your octave. So, Ra कहता है कि देखो, ये जो तुमने पूछा है ना सवाल, ये काफी बड़ा सवाल भी है और इसके लिए हो सकता है काफी सारे सेशंस भी लग जाएं, ठीक है, इसको समझने के लिए. फिर दूसरा, क्योंकि जो तुम्हारे शरीर की जो तुम अलग अलग बॉडीज की जो अलग अलग तरीके के शरीरों की बात कर रहे हो ना, जिसको तुम एसोटेरिक बोलते हो, एसोटेरिक इथेरिक बॉडीज बोलते हो. इथेरिक को मैम हिंदी में क्या बोलेंगे वैसे? ईथर का मतलब होता है जो स्पेस होता है. ईथर मतलब जैसे मैं क्या बोलूं, शायद कारण शरीर नहीं, शायद ईथर उसको स्पेस बोला जाता है. एथेरिक बॉडी वो होता है, मतलब जैसे हमारे 5 तत्व है ना, तो उसमें से एक तत्व हमारा ईथर है. जैसे कि हवा अलग है और ये वो जगह है, वैक्यूम जो है, समझो दो लोग बैठे हैं, हाँ उन लोगों के बीच में हवा है, धरती है, लेकिन एक वैक्यूम है जिसको निराकार बोलते हैं, वो वैक्यूम को ईथर बोला जाता है, जिससे पूरा अच्छा. ब्रह्मांड बना हुआ है. ब्रह्मांड के अंदर अच्छा, ईथर अच्छा. के अंदर बाकी सारी चीजें. अच्छा, तो रा यही कह रहा है, रा कह रहा है कि ये मैम किसी का माइक ऑन हुआ है, जाबो जी आपका है, ऑफ करना. हाँ, तो मैम रा यहाँ कहता है कि ये जो जवाब है काफी लंबा है और हो सकता है इसको समझने के लिए तुम्हें काफी सारे सेशन भी लग जाए, जैसे हमारे पीछे भी काफी सारे सेशन लगे. कह रहे कि हम तुम्हें बता दें, इसको समझना ना एक बहुत बड़ी स्टडी है अपने आप के अंदर ही, अपने मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है अपने आप में भी इसको समझना. कहते हैं कि और ये हम तुम्हें इस तरीके से समझाते हैं कि जैसे हमने तुम्हें पहले बताया था ना कि अगर तुम एक प्रिज्म के अंदर से इस सफेद रोशनी को निकालो तो 7 रंगों में बढ़ जाती है और इसी से तुम्हारी घनत्वताएं भी डिसाइड होती हैं कि हाँ भाई ये क्या कहते हैं तुम्हारा चक्र, तुम्हारे चक्र हैं वो भी डिसाइड होते हैं, इसी से तुम्हारे ऑक्टेव बनते हैं. कह रहे तो इसके तरीके से हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं. कहता है वी हैव द नंबर 7 रिपीटेड फ्रॉम द मैक्रोकॉज्म टू द माइक्रोकॉज्म इन स्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस, ठीक है. देयरफॉर इट वुड ओनली बी एक्सपेक्टेड दैट देयर वुड बी 7 बेसिक बॉडीज व्हिच वी वुड परहैप्स बी मोस्ट लूसिड बाय स्टेटिंग एज रेड रे बॉडी एक्सेट्रा. हाउएवर वी आर अवेयर दैट यू विश टू कॉरेस्पॉन्ड दीज बॉडीज मेंशनड विद द कलर रेज. यार कहां पे एक सेकंड रुकना मैम. हाँ, ये स्क्रीन पे है, देखो. बोलो. हाँ, इसी से समझा रहा है मैम वो भी. हैं? इसी से ही समझा रहा है. इसी से ही समझा रहा है वो भी. हाँ, मैं बता रही हूँ कि यहाँ फोटोग्राफ है, अगर देखना चाहो कि वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, कौन से चक्र से कितनी बॉडीज हैं. 2-3 पिक्चर्स हैं, आप हाँ. जब बोलोगे मैं दिखा दूंगी. बेसिकली यही होती है जो ऑरा बनाती है, यही होती है जो बेसिकली ऑरा बनाती है हमारा.
हाँ बिल्कुल। हाँ आप बोलो। तो मैम वो इसमें आगे जवाब देते हैं, आगे वो जवाब देता है, कह रहे कि हम तुम्हें इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी अलग अलग शरीर है ना, ये जो बने हुए हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ बनते हैं, ना कि अंदर से बाहर की तरफ। कह रहे ये रचयिता के, ये सोच लो कि तुम बिल्कुल रचयिता से हमेशा कनेक्टेड रहते हो, तो पूरे ब्रह्मांड को तुम देख लो, कह रहे तुम ही पूरा ब्रह्मांड हो, कह रहे वहां से अंदर चल के आती है चीजें, इससे तुम्हारे शरीर बनने शुरू होते हैं। कह रहे कि और ये जितने भी शरीर है ना तुम्हारे, इस तरीके से चलते हैं कि लाल से पीला, पीले से ऑरेंज, ऑरेंज से हरा, कह रहे इस तरीके, जैसे मैम आपको, आपने इस इमेज में दिखा रखा है ना, कह रहे बिल्कुल ऐसे ये तुम्हारा ऑरा बनना शुरू होता है। कह रहे दिस विल बी कंफ्यूजिंग फॉर वेरियस टीचर्स हैव ऑफर्ड देयर टीच लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इन वेरियस टर्म्स, दस वन मे नेम अ सटल बॉडी वन थिंग एंड अनदर फाइंड अ डिफरेंट नेम। कह रहे देखो ये तुम्हारे यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि इस चीज को समझने के लिए ना तुम्हारे जो टीचर्स हैं, जिन्हों जो भी गुरुज वगैरह हैं, कह रहे सबने अपने अपने तरीके से समझा इसको और अपने अपने तरीके से बताया। कह रहे इसीलिए कई किसी केस में कोई कुछ कैसे बोलेगा, किसी केस में कोई कुछ कैसे बोलेगा, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे कंफ्यूजन है। हालांकि चीज ये एक ही है, हम तुम्हें ये बता दें, कहते द रेड रे बॉडी इज योर केमिकल बॉडी, हाउएवर इट इज नॉट द बॉडी विच यू हैव एज क्लोदिंग इन द फिजिकल, इट इज द अनकंस्ट्रक्टेड मटीरियल ऑफ द बॉडी, द एलिमेंट बॉडी विदाउट फॉर्म, द बेसिक यूनिफॉर्म मटीरियल बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर दीज आर हीलिंग्स विच मे बी कैरिड आउट बाई द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फिजिकल व्हीकल। तो वो कह रहा है कि देखो सबसे पहली जो तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, वो होती है तुम्हारी लाल रंग की होती है, कह रहे वो तुम्हारी केमिकल बॉडी होती है, ठीक है, जो तुम्हारा केमिकल है अंदर से, मैम वैसे खून भी हमारा लाल ही होता है। तो वो कहता है कि तो ये तुम्हारी केमिकल बॉडी है, ठीक है, हालांकि इसको तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी ये जो जो तुम्हारी शरीर शारीरिक रूप से जो जो बॉडी है इसको तुम उसको वो नहीं कह सकते। कहता है ये मटेरियल ये अनकंस्ट्रक्टेड है, कह रहा है इसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। मैम शायद खून ब्लड की ही शायद बात कर रहा है यहाँ पे। कहता है द एलिमेंटल बॉडी विदाउट फॉर्म, कह रहा है इसका कोई फॉर्म नहीं होता, इसका कोई शेप नहीं होता है। कह रहा है ये द बेसिक यूनिफॉर्म मटीरियल इज इंपॉर्टेंट टू